नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। इस देश में और हमारे समाज में, बल्कि हमारे देश में नहीं दुनिया भर में, महिलाओं के कपड़े, वो क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, इस समाज के लिए हमेशा ही एक चर्चा का विषय रहा है। इस समाज के पुरुष तय करेंगे कि महिलाओं को क्या पहनना है, कब घर से बाहर जाना है, कब उनको किससे बात करनी है। ये लंबी बहस है, लेकिन इस बार विषय और चर्चा और विवाद जो है वो इससे थोड़ा आगे है। यहाँ पर सिर्फ महिलाएं और बच्चियां ही नहीं हैं, यहाँ पर साथ में विचारधारा भी है। एक विचार विशेष को लगता है कि एक विचार विशेष के समाज के लोग जो हैं वो बच्चियों को स्कूल भेजते समय किस बात का ध्यान रखें। यूनिफॉर्म में स्कूल जानी चाहिए बच्चियां, तार्किक लिहाज से, संविधान के लिहाज से ये बात बिल्कुल सही है। इस देश में एक कानून है और कानून के लिहाज से बच्चियों को, सभी को, देश का कोई भी हिस्सा हो, उसे एक ही यूनिफॉर्म मेंटेन स्कूल को, विद्यालयों को करनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच हमारे देश में ना एक संविधान है और ना ही एक तरह का कानून पूरे समाज के लिए लागू होता है, और इसीलिए बहस छिड़ी हुई है इस देश में। और खास करके इस वक्त बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है, उसका जो एजेंडा और लक्ष्य और जो मकसद और जो चुनाव का पूरा टारगेट था, उसमें एक मुद्दा ये भी था कि एक देश एक कानून। इन सब के बीच राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर की बहुत ही जिसको कहते हैं हॉट सीट के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने एक सवाल क्या छेड़ा। राजस्थान में इस वक्त उस पर बहस छिड़ी हुई है। आज अगले एक घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे कि विधायक महोदय का सवाल और उस पर उठा पूरा विरोध, विपक्ष का हंगामा और तमाम प्रोटेस्ट कितना सही है, और इस विषय को सिर्फ चुनावों से पहले एक शगुफा माना जाएगा या वाकई में इस पर एक तार्किक बहस भी होगी। हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर आरती शर्मा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भीमराज जाखड़ हैं, बीजेपी से गोविंद छिपा, लीलाधर जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, पुष्पा गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही संगीता परिक्रमा जुड़ेंगे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जोधपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद छिपा जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे गोविंद जी, कि ये जो पूरा विषय है, ये विषय सिर्फ आपकी पार्टी के एक विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा है या ये आपकी पार्टी की सोच है जिसे एक विधायक की आवाज के साथ पार्टी और सरकार दोनों आगे बढ़ाएगी? गोविंद जी, जरा ऑडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। मीना जी, हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये सब बातें हम कहते हैं सुनते हैं। मैं तो एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि वो एक शेर है ना कि हंगामा क्यों है बरपा, भारत माता की जय ही तो बोली है, डाका तो नहीं डाला है, चोरी तो नहीं की है। तो अगर बाल मुकुंदाचार्य जी ने भारत माता की जय बुलवा दी तो इसमें कौन सा कोई ऐसा कोई अपराध कर दिया? क्या भारत देश में भारत माता की जय बोलना अपराध है? अब आप पूछेंगे हिजाब का मुद्दा है उन्होंने। देखिए, अभी आप अपनी ही शुरुआती एंकरिंग में कह रही थी कि एक ड्रेस कोड होता है, एक संविधान होता है, एक कानून होता है। मैं अगर आपकी ही भाषा में कहूं तो आप अगर एंकर हैं तो आपका भी ड्रेस कोड है कि आप कौन सी वेशभूषा पहन के यहाँ पे आएंगी। कल ना आप कहेंगे कि साहब मैं तो लहंगा चुन्नी पहन के आऊंगी, या आपको मैं तो घाघरा लुगड़ी पहन के आऊंगी। तो देखिए, आपसे सवाल पूछा था, आप तो यहाँ वाद विवाद करने लग गए। सवाल का जवाब दीजिए सीधा सीधा। मेरा सवाल ये था कि ये एक विधायक का उनके विधानसभा क्षेत्र में उठाया गया मुद्दा है या सोची समझी नीति के तहत सरकार की सोच को परिलक्षित करने वाला विषय है? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई सोची समझी बात नहीं है। माननीय विधायक जी एक कार्यक्रम में गए, उनको लगा कि ये दो तरह की ड्रेस यहाँ पे कैसे हैं। उन्होंने एक साधारण सी बात बच्चियों को भी नहीं कही, उन्होंने एक साधारण सी बात प्रिंसिपल मैडम से पूछी कि प्रिंसिपल साहब ऐसा क्यों है। तो उनके उनके बीच की कोई बात थी
और दूसरी बात यह है कि एक साधारण सी बात थी जो एक विधायक और जिस स्कूल में वो गए थे मुख्य अतिथि बन के, और उस प्रिंसिपल से उन्होंने ये बातचीत की, और वो बातचीत कैसे बाहर आ गई, और बातचीत बाहर आ गई तो उसमें भी कोई ऐसा अपराध नहीं है। एक तो सामान्य चर्चा के तहत उन्होंने ये पूछा और सामान्य चर्चा के तहत उन्होंने बता दिया। गोविंद शेपा जी, आपकी बात को अगर माना जाए तो ये विधायक महोदय का निजी मामला है, पार्टी का सरकार का कोई सोच नहीं है इस विषय पर? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व विचारधारा की पोषक है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। हम राम जी की जय बोलते हैं, राम मंदिर बनवाने के लिए हम कितने लालायित तो उत्सुक थे जो हमने बनवाया अपने प्रयासों से, तो आप ये कहें कि साहब हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, हमारी ये विचारधारा नहीं है? बिल्कुल है, हम तो भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, हम तो राम जी की जय बोलने वाले लोग हैं। गोविंद शेपा जी, आपके मुताबिक ये बालमुकुंदाचार्य का, एक विधायक का, आपकी सरकार का व्यक्तिगत मामला नहीं है, निजी राय नहीं है, ये पार्टी की सोच है, ये सरकार की सोच है, और इसीलिए विधायक महोदय ने इस विषय को उठाया है। ठीक है, आपकी बात समझ में आती है? अगर विधायक महोदय ने सोच समझ कर इस विषय को उठाया है तो भीमराज जाखड़ जी, कांग्रेस पार्टी को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है जब एक स्पष्ट रूप से सीधी सीधी बात संविधान के अंतर्गत इस देश के मतदाताओं द्वारा चुने गए एक विधायक ने कही है, इसमें इतना विरोध, इतना हंगामा क्यों? देखिए मीना जी, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, कभी हमारे ये मेरे भाई कह सकता हूँ इनको, गोविंद जी से मेरे से बड़े हैं, बट इन्होंने कहा कि संविधान ने व्यवस्था, तो संविधान ने ये व्यवस्था दी है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए विधायक है वो जनता के लिए काम करें, अच्छी बात है, होता यही है, इसीलिए चुनाव होते। बट सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि वो जो जहाँ विधायक बालमुकुंदाचार्य जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के विवादित बयान और विवादित मुद्दे देते। पहले उन्होंने दुकानों के लिए छेड़ा मुद्दा, कहीं मीट की दुकान ही है, तो आप मीट की दुकानें बंद करना चाहते हो तो आप जाइए वहां विवाद मत खड़ा कीजिए। एक सेकंड, और रह बात हिजाब का मामला है, कुछ देश ऐसे भी है जहां हिजाब बैन भी है, कर्नाटक में इस तरह का मामला सन 2022 में हुआ था उडीपी में, बट आपको प्लीज विषय पर रहिए, आप विषय की बात, आपको लगता है भीमराज जी कि विधायक ने जो विषय उठाया है वो विषय उचित नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं पूरी कंक्लूड कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं यदि उस उनको इस चीज, बाकी बातों को मत मिलाइए, एक विधायक नहीं, बाकी किसी मैं इसी विषय पे बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा मत ये है हमारी पार्टी में, आपको इस विषय पे कोई दिक्कत, आप चुन के आए विधानसभा में लाइए, आप उस पर बहस कीजिए, राय लीजिए, विशेषज्ञों से राय लीजिए, विधि विशेषज्ञों से राय लीजिए, आपकी डबल इंजन की सरकार, आप संसद में चर्चा कराइए, कौन मना कर रहा है, हर सब्जेक्ट चुनते किस लिए, आप संसद में चर्चा करा के उस विषय लीजिए, विशेष विधि विशेषज्ञ राय लीजिए, फिर आप लीजिए। पर आपने स्कूल में जाके विधायक जी एक बात तो ये बताए कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चों की मेरिट क्या है, इतने कम बच्चे के कौन से है, कि कौन बच्चा सिलेक्ट हुआ, कौन हुआ, क्या समस्याएं हैं, आगे अपने को प्लानिंग क्या करनी है, इसके ऊपर चर्चा नहीं, पर उन्होंने क्या किया, सस्ती लोकप्रियता के लिए इसको छेड़ दिया और विवाद खड़ा कर दिया। आपको विवाद खड़ा नहीं करके आपको शिक्षा के जिस सब्जेक्ट जिस प्लेटफॉर्म पे आप गए हैं स्कूल में उससे संबंधित उसको अपने आगे कैसा बढ़ाया जा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा के अपने बच्चों को आगे स्पोर्ट्स के अंदर, कोई पेंटिंग में, कोई आपको वो आर्मी के अंदर, कोई किसी एग्जाम में अपने कैसे आगे बढ़ाएं ताकि अपने स्कूल का, समाज का, अपने राज्य का, उस विधानसभा का नाम रोशन हो, वो काम पे उसमें जोर नहीं दिया उन्होंने विवादित में। और बालमुकुंदाचार्य हमेशा इस तरह के दो बार इंसिडेंट किए सस्ती लोकप्रियता के लिए, विवादित बयान देने के लिए, वो चाहते हैं कि मैं हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, ये हो जाऊं, पर ये विवाद खड़ा करना चाहते हैं। बालमुकुंदाचार्य ठंड सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, ये बालमुकुंदाचार्य की राजनीतिक शैली है, उनके पास बड़े आइडियाज नहीं होंगे आपके हिसाब से जो छोटे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो विषय इस वक्त है आपके सामने, आपको उस विषय पर आपत्ति है विपक्ष के रूप में, आपको लगता है कि विषय सही नहीं है, आपको लगता है कि स्कूल में जाने वाले बच्चियों की यूनिफॉर्म कोड एक होना चाहिए, ये सवाल अगर विधायक ने उठाया है तो
तो इस सवाल पर आपको आपत्ति है या प्लेटफॉर्म सही नहीं है इसलिए आपत्ति है, क्योंकि आपने कहा विधान, हम ये कहना चाहते हैं आप सवाल उठाइए कुछ भी कीजिए, पर आप उसको विवादित मत बनाइए। आपको करना था विधायक विधानसभा में उठाइए, विशेष मैंने हमने यही कहा विशेषज्ञों से राय लीजिए और किसी आपको चर्चा कराइए विधानसभा में, आप कानूनी राय भी लीजिए, तब कल को जो सवाल को अपने को सोल्व करना उसको विवादित मत बनाइए। हम ये कहना चाहते हैं आप विवाद खड़ा मत कीजिए। कर्नाटक में भी इन्होंने पहले ये किया था 2022 के अंदर, बहुत से मुस्लिम कंट्री है जहां हिजाब बैन भी है, जहां पर हिजाब भी बैन है, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकना भी बैन है। बहुत से देश है, मैं आपको उदाहरण दे, बेल्जियम, नीदरलैंड, बुल्गारिया, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों में चेहरा ढकने पे बैन है। प्रॉपरली विदेशों में सीरिया और इजिप्ट जैसे देश है जहां यूनिवर्सिटी के अंदर हिजाब पहनने पे बैन है, और ट्यूनिशिया, मोरक्को, अर्जबैन, लेबनान में भी बैन है, चीन में भी सार्वजनिक स्थानों पे चेहरा ढकने पे बैन है। आप कीजिए, पर वहां की सरकारों ने बैन किया, ऐसे विवाद खड़ा नहीं करने चाहिए। विवाद खड़े करने से समाज में विवाद पैदा होता है और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले हालात हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम लोग ये कहना चाहते हैं आप इसमें कीजिए। तो विधायक जी को वहां ये चाहिए था, आप वहां विधायक जी से मैं अभी भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए आपने स्कूलों पे जाते शिक्षा के ऊपर कोई आपने सवाल पूछे हो, प्रिंसिपल से पूछिए, बच्चों से पूछिए, बच्चों से डिस्कस कीजिए, वो नहीं किया हमें हिजाब। पहले गलियों में गए कुछ नहीं किया, बोले ये मीट की दुकान है, तो आप मीट की दुकानों बंद करिए, पर विवाद खड़ा क्यों करना? विवाद खड़ा करने के ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और इसमें कुछ नहीं है। 10 सेकंड भीमराज जी, आपकी बात समझ में आती है। गोविंद शिपा जी, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन पहले मेरे बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। भीमराज जी, आपकी बात से ये समझ में आया कि ये विषय जो है इस पर बात होनी चाहिए। आपकी बात से ये भी समझ में आया, आपकी बात से ये समझ में आया कि इस विषय को उचित प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए। समाज में कोई भी विषय जब हम उठता है, शुरुआत होती है इस देश में और दुनिया भर में, विधानसभा में बहस हुई, विपक्ष ने उसके लिए विरोध जताया, सवाल पूछे गए, सब चीज हुई, तो आप करिए ना चर्चा, कौन मना करता, चुने इसीलिए गए वहां पे, आप चर्चा कीजिए, विशेषज्ञ लाइए, धर्मगुरु कोई उनके है तो उनसे चर्चा कीजिए, विधि विशेषज्ञ चर्चा कीजिए, कौन मना कर रहा है? आप चुने इसीलिए गए, पर आप विवाद खड़ा करके समाज को बांटने की और सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिए बहुत से देशों में जहां हिजाब और पर्दा प्रथा पे बैन है, चेहरा ढकने पे बैन है। आप लीजिए ना राय, हम तो कोई भी चीज लाते हैं दूसरे देशों से अध्ययन कर ले लाते हैं, दूसरे राज्यों में अध्ययन करके आते हैं, आप अध्ययन कीजिए उसका, करिए, पर इस तरह का विवाद खड़ा करना आई नॉट लाइक दिस। जी, तो भीमराज जी, आपकी बात से ये बात स्पष्ट है कि ये विषय है जिस पर बहस होनी चाहिए, उचित प्लेटफॉर्म पर बहस होनी चाहिए, और इस विषय को उठाने से सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। तो सांप्रदायिकता इस विषय से कैसे हो सकती है, सवाल एक तो ये है, और दूसरा ये है, गोस्वामी जी, जब किसी भी विषय पर बात शुरू होती है तो सीधे विधानसभा के मंच पर संविधान में कानून बदलाव के साथ होती है, या समाज में पहले चर्चा होती है, शुरुआत होती है कहीं से, और उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चर्चा करने के बाद, तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद कानून तक पहुंचते हैं। जी मीना जी, जो यूनिफॉर्म का उद्देश्य है वो ये है कि जो भी बच्चा पढ़ने के लिए आए, या सेना में भी अगर यूनिफॉर्म की जो धारणा है वो इसलिए है कि सब लोग एक से वस्त्र पहने, तो कोई ऊंच नीच का या किसी भी तरह के भेदभाव का कोई आचरण नहीं लगता उसमें। तो यूनिफॉर्म जो है वो बहुत अच्छी चीज है और उसको होना चाहिए और एक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्लेटफॉर्म, जैसा कि भीमराज जी कह रहे थे कि जो प्लेटफॉर्म है वहां पर उस चीज को उठाना बहुत एक तरह से विवाद का विषय हो गया, क्योंकि जो लड़कियां हिजाब पहनकर भी आती हैं तो वो ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां अपनी मर्जी से पहन के आती हैं, उनके संस्कार, उनके धर्म और उनके आस्था पर कोई भी सवाल हम खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत गहरे बैठे हुए होते हैं और इनको तुरंत नहीं बदला जा सकता। जमाना बहुत आगे जा रहा है, हम चांद के सूरज पे जा रहे हैं, लेकिन हम लंबी प्रक्रिया है, समाज में परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है, समाज में कोई भी बड़ा बदलाव आता है तो उस पर बहुत सारी बहस और अलग अलग मंचों पर उस पर चर्चा,
और उसके बाद मंथन के बाद कानून के रूप में उसकी परिणति होती है। ये बात ठीक है लीला सर जी। सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ विपक्ष है, दोनों का सोचने का अपना अपना तरीका है। आप तीसरे पक्ष के रूप में इस विषय को किस कैसे देखते हैं कि ये विषय जो है वाकई में यूनिफॉर्म सभी की स्कूल में एक जैसी होनी चाहिए, ये एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब क्या है, हाँ या ना? मीना जी, आपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, न्यूज 24 का भी। मैं वैसे अपना आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के साथ साथ जनता का भी पक्ष रखना चाहूंगा। और जो मुद्दा जो इस राजस्थान में ये हुआ है और जिस विधायक ने किया है, वो वैसे भी अपने नए नए हथकंडे फेमस होने के लिए करने के लिए प्रसिद्ध हैं, और जो ये मुद्दा उन्होंने उठाया है तो इनकी विचारधारा और उससे भी लग रहा है कि ये दिल्ली से शायद कोई और पर्ची आई होगी कि अब लोकसभा के लिए तैयारी करनी है, और ये पर्ची इस बार हिजाब बच्चों के लिए खुली है। उनको जिस प्रकार से देखा है अपन ने कि राजस्थान में साक्षरता दर विशेषकर बालिकाओं में भारत में सबसे कम है, और उसके बाद भी मुस्लिम वर्ग से आने वाली जो बालिकाएं हैं बड़ी मुश्किल से वो घर से बाहर निकल पाती है पढ़ने के लिए। उसके बाद जब वो उस देहरी को बड़ी मुश्किल से लागती है तो उसके बाद ऐसे फतवे जारी करने वाले आ जाते हैं कि भाई आपको ये पहनना ये नहीं पहनना। अगर बाल मुकुंदाचार्य जी ये कहते कि हम राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारत में नंबर वन पर लाएंगे तो हम उनका भी स्वागत करते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये अपने आप को फेमस करने का जो लगातार हथकंडे अपनाते जा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये दिल्ली से चिट्ठी आई है उनकी एक और। लीलाधर जी, आपका ये कहना है कि हमारे राजस्थान में शिक्षा का स्तर बहुत खराब है और बच्चियों की स्थिति समाज में, खास करके जिस समाज की यहाँ पर चर्चा हो रही है, वहां वाकई में चिंताजनक है, और इसलिए चिंता इस विषय पर होनी चाहिए कि हमारे समाज में बच्चियों की स्थिति अच्छी नहीं है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। चिंता इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि उस शिक्षा को ठीक करने के लिए, उन बच्चियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। सवाल यहाँ बहुत छोटे में उलझ गए हैं आप लोग, विपक्ष जितना भी है, कि बाल मुकुंदाचार्य सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। कौन है बाल मुकुंदाचार्य, क्यों आप सस्ती लोकप्रियता में साथ दे रहे हैं? सवाल तो ये है कि बाल मुकुंदाचार्य ने जो सवाल उठाया है उस सवाल को इस प्रदेश में कितनी अहमियत मिलेगी। सवाल ये है कि उस सवाल पर जो बाल मुकुंदाचार्य ने उठाया है उस पर इस प्रदेश की बच्चियां कैसे रिएक्ट करेंगी, यहाँ की सरकार इसे किस रूप में लेगी और सत्तारूढ़ पार्टी का इस पर क्या सोच है। संगीता परिक्रमा जी, सवाल ये है कि सिर्फ राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर की बात नहीं है ये, जहां से ये विधायक महोदय एक विधानसभा से आते हैं, सवाल तो ये है कि ये मुद्दा पूरे देश की बच्चियों का है, और क्या आप महसूस करती हैं कि इस विषय पर अब गंभीर चिंतन के साथ इस विषय को एड्रेस करने का समय आ गया है? मीना जी, बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल समय आ गया है, मगर मुझे ये पूरा जो विवाद है पूरा है हिजाब को लेकर, ये पूरा लग रहा है सियासी रोटियां सेकने का ही खेल नजर आ रहा है। और बाल मुकुंदाचार्य जी ने जो कहा उसको लेकर कल विरोध हुआ, तो एक तरह से शिक्षा में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर ये इन्होंने शुरू किया है। और उसके बाद किरोड़ीमल मीना जी ने भी ये कहा है कि स्कूलों में एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो उससे कहीं लग रहा है कि एक तरह से ये पूरा तैयारी की जा रही है कि हिजाब पर रोक लगे। जैसे कर्नाटक में तो आपको पता ही है दिसंबर 2021 में कॉलेज में एक हिजाब हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो कि बाद में जाके सब ने, सरकार ने इस पर पूरी बैन भी कर दिया था, भाजपा सरकार ने बैन कर दिया, और उस पर हाईकोर्ट ने भी उस सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग, और एक कमेटी जो एक बड़ी बैच का गठन होना था आज तक नहीं हो पाया, यानी इसका अभी तक एक मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। और वहीं ये जो कर्नाटक की बात, मुझे लग रहा है कि राजस्थान में भी इस तरह से
एक शुरुआत की जा रही है, किस पर हिजाब पर बैन लगाने की एक शुरुआती मानी जा रही है। और मुझे लगता है कि इस तरह से मुस्लिम लड़कियां जो बहुत मुश्किल स्कूल तक आती हैं, कॉलेज तक आती है, तो उस शिक्षा एक डर है कि वो शिक्षा से दूर नहीं हो जाए, एक बिल्कुल एक एजेंडे के रूप में। जैसे कि आपने भी आप मेरे से पहले प्रवक्ता ने कहा था कि एक हो सकता है कि ये लोकसभा चुनाव से पूर्व एक मुहिम के तौर पे एक शुरुआत हुई है इसकी, और ये आगे जाके और ज्यादा विवाद नहीं विवाद और ज्यादा इसको लेकर विवाद ना बढ़े, और इसको एक क्या कहते हैं भाजपा सरकार है इसको बिल्कुल उस तरह के हिजाब पर एक बैन लगाने की आगे की ओर ना बढ़ जाए, वो मुझे शुरुआत लग रही है। गोविंद छिपा जी, अगर ये शुरुआत है, अगर पार्टी और सरकार दोनों मिलकर ऐसा सोचती हैं कि अब बदलाव का समय आ गया है, बदलाव वो जो समाज विशेष की बच्चियों को आजादी दिलाने के लिए जरूरी है, इस प्रदेश में और इस देश में घूंघट भी बहुत लंबे समय तक हमने देखा, उसको लेकर बहुत लंबी बहस चर्चा हुई, जब घूंघट हटा तो बहुत विरोध भी हुआ, और उस विरोध की आंधी में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आज घूंघट पर बहस बंद हो गई है, हिजाब पर भी बहस बंद करने का समय आ रहा है क्या? गोविंद छिपा जी, देखिए मैं लीलाधर जी और भीमराज जी की बात का एक एक लाइन में उत्तर देते हुए आपकी बात कहूंगा। भीमराज जी ने कहा था कि विवाद खड़ा कर रही है, विवाद खड़ा करना चाह रही है पार्टी, या सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं। देखिए वो विधायक जीत के आए हैं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, वो उनको लोकप्रियता की चाह कोई इस तरह के विवादों से जरूरत नहीं है। और विवाद खड़ा किया है रफीक खान साहब ने, उन्होंने प्रिंसिपल के कान में कुछ कहा कि मैडम यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ये पसंद नहीं आ रही है, एक ड्रेस कोड होना चाहिए, और ये आप ही देखिए कि 10वीं 8वीं की बच्चियों को सड़क पे लाने का काम किसने किया, रफीक खान साहब ने किया। क्या प्रायोजिक तरीका ये इनका नहीं है कि एक दिन पहले विवाद खड़ा करो और अगले दिन विधानसभा में मुद्दा उठाओ? ये इस तरह की सस्ती लोकप्रियता तो रफीक खान साहब हासिल करना चाहते हैं। और लीलाधर जी ने कहा साहब ये हिजाब अगर इसको नहीं किया तो मुस्लिम बच्चियां पढ़ नहीं पाएंगी, अरे भाई हम तो उनको पढ़ाना चाहते हैं। अभी मीना जी ने कहा कि घूंघट में एक विवाद होता था, आज वो विवाद नहीं है, तो आप क्यों मुस्लिम बच्चियों के आड़ लगाना चाहते हैं, आप क्यों मुस्लिम बच्चियों को मुख्य धारा में लाने से रोकना चाहते हैं? अरे भाई वो बच्ची आना चाहती है, पढ़ना चाहती है, अपनी अपनी अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करना चाहती है, तो आप क्यों रोक लगाना चाहते हैं? क्या आज के जमाने में, अच्छा अभी भीमराज जी ने जो है 10-15-12 देशों की पूरी फेरी से सुना दी, तो क्या समर्थन कर रहे हैं कि यहाँ भी हिजाब पे बैन लग जाना चाहिए? क्या बोलिए आप, क्या आप खुल के बोल रहे हैं भीमराज जी, आप मानते हैं कि यहाँ भी बैन लग जाना चाहिए? बताइए आप, मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। और ये 7 घंटे होते भाई, अरविंद केजरीवाल जी के 8 घंटे की कोई बोल रहा है? एक सेकंड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको यदि हटाना है तो आप चर्चा कीजिए ना, आप विवाद खड़ा मत कीजिए, हमें विवाद का विरोध कर रहे हैं आप, उसको ही सुनो मेरी। हमने गोविंद जी बात कही है, हमने अपनी एक बात कही है, आदरणीय विधायक जी ने अपनी एक बात रखी है कि यहाँ पे ड्रेस कोड एक होना चाहिए, मैडम मैं ये समझता हूँ। उसके बाद आप लोग सड़कों पर उतरे हो, सड़कों पर उतार दिया आपने, अरे आप उत्तर तो सुनिए, तो विधानसभा में उठा देते मुद्दा, गोविंद जी उत्तर सुनिए ना, आप उत्तर तो सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यदि आपको सुधार करना है तो आप चर्चा कराइए ना, सदन होता किस लिए, सदन राज्य के लिए, देश के लिए, संविधान ने अपने व्यवस्था, आप चर्चा कीजिए, आप विवाद खड़ा मत कीजिए। क्या विवाद खड़ा करने के लिए गए थे? और एक सेकंड पूरा गोविंद जी पूरा होने दीजिए। अरे गोविंद जी पूरा सवाल सुनिए, या तो सवाल मत पूछो या सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ यदि बाल मुकुंदाचार्य जी को शिक्षा के लिए इतनी चिंता है, यदि वो संत है, तो मैं तो यह कहना चाह रहा हूँ कि स्वामी केशवानंद को पढ़ लीजिए और आप शिक्षा में काम कीजिए। और मीना जी 250 स्कूल तो सरकार को दिए थे उन्होंने, और आज संगरिया हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, संगरिया विधानसभा है, वहां इतनी बड़ी स्वामी केशवानंद जी की बढ़ाई हुई संस्था है जो वाकई में देखने लायक है।
दूसरी बात मैं कहता हूँ, आप स्वामी व्यायन का बाल मुकुंदर आचार्य जी का एक तो काम बता दीजिए, उन्होंने शिक्षा के लिए ये किया, इतने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए, कितने बच्चे टेंथ करने के बाद ग्रेजुएशन पार नहीं किए। ऑल इंडिया का रेशो ये है मीना जी, 100 बच्चे यदि टेंथ पास करते हैं उसमें से 25 बच्चे ही कॉलेज पार कर जाए। आप उसमें चर्चा कीजिए, यदि आपको हिजाब हटाना है तो आप लोकसभा विधानसभा में चर्चा कीजिए, और जिन देशों में बैन है उसकी आप स्टडी करवाइए विशेषज्ञ जी, और आप जो इनके विषय में जो विशेषज्ञ दर्द है उनसे चर्चा कीजिए। पर नहीं, आपको विवाद खड़ा करना है, आपने विवाद खड़ा किसने किया? आप नाचने जानू आंगन टेढ़ा, आप रफी खान का नाम ले रहे हैं, आज रफी खान को बुलाना, आप बुलाइए ना सबको, बोले आप सब लोग आइए बैठ के चर्चा करते हैं और इस विषय करना चाहिए, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर उसमें नहीं करना। पर आपको विवाद खड़ा करके बाल मुकुंदाचार्य जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रही है, इससे होना कुछ ना चाह रही है। आप सांप्रदायिक तनाव पैदा करके और वोटों की राजनीति करना चाहते हो, इससे कुछ हासिल होना नहीं चाहिए। नुकसान एंड ऑफ द डे राजस्थान और हिंदुस्तान का होना है, इसमें आप और हम दोनों शामिल हैं, किसी एक पर्टिकुलर नहीं, दोनों तरफ से होगा। आपको यदि शिक्षा में विकास करना है तो मैं गोविंद सिपा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कि भारत सरकार का बजट पढ़ लेना 2014 के बाद उन्होंने क्या क्या किया है। वसुंधरा सरकार थी, 15,000 स्कूल बंद किए थे, अभी आपकी सरकार आने के बाद 2 यूनिवर्सिटी बंद किए, माइनिंग यूनिवर्सिटी और आप अम्बेडकर का, तो इन्होंने विरोध हुआ तो बंद कर दिया। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद करना चाह रहे हो, आप उन पर देख लीजिए। आपको यदि कुछ करना है तो आप बताइए मेरे को, 2014 के बाद जो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन उसमें से 2.5 गुना फीस आपने बढ़ा दी, आप पढ़ लीजिए इस यूनिवर्सिटियों की फीसों को। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, यदि आपको शिक्षा विकास करना है तो आप कीजिए, और यदि आपको हिजाब पे बैन की आपत्ति है तो आप संसद में लोकसभा में चर्चा कीजिए, उसमें नहीं करते तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़ी दोनों अपने लिए है, और संसद और लोकसभा में दोनों जगह आपके डबल इंजन की सरकार है। विवाद खड़ा मत करके और सांप्रदायिक तनाव पैदा मत कीजिए, जिससे आप लोग फिर भी, क्योंकि हिंदू आप एक बात बताओ, सिख समाज पगड़ी पहनता है, आराम से पहनता है, पूरे विश्व में पहनता है, पूरी फोर्स के अंदर पहनता है, ठीक है, वो सिस्टमेटिक, तो आपको कोई दिक्कत है तो आप जाइए ना दोनों जगह, ऑप्शन आप चर्चा कीजिए उनसे, अपन आप चर्चा नहीं करनी। बाल मुकुंद आचार्य जी को खुद को देखना चाहिए कि मैं क्या करना, और पहले उनको मीट की दुकानों को ऑप्शन किया, आप लाइसेंस जारी करवाइए, सारी दुकानें सिस्टमेटिक कीजिए ना, ध्यान रखिए साफ सफाई का, सबको बोलना चाहिए, पर आपको शिक्षा का विकास नहीं करना है, क्योंकि आप बीजेपी की पॉलिसी की नीति है। यदि शिक्षा आपने आगे बढ़ गई तो शिक्षा सवाल खड़े करती है, और सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि मोदी जी की खुद की डिग्रियां फर्जी है, तो वो क्या जवाब देंगे, और उसी की रीति नीति पे चलने वाली भाजपा सरकार यहाँ पे है। आप पढ़ लीजिए, अब किसानों का इन्होंने घोषणा पत्र में कहा हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, किया क्या? 2200 रुपए का या 83 रुपए का आपने भाव निकाल दिया। आप झूठे बातें तो आप कर रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं। बागड़ा नामल नांगल डैम से जो पानी आता था उसका 1288 क्यूसेक पानी आपने आते ही कटा दिया, किसान धरने पे बैठ कीजिए। डबल इंजन की सरकार करें आप मोदी जी, आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए 2021 के बीमे के लिए, आज भी किसान धरने बैठी है। आपने सोल किया, कभी सवाल पूछा आपने किसानों के बीच? कोई आपका जनप्रतिनिधि गया हो, भाजपा का कोई नेता गया हो, आप बताइए मेरे को, नहीं जाएंगे। तीसरा सवाल ये पूछता है कि मीना जी भरतपुर संभाग राजस्थान की 50% सरसों उत्पादन करता है, पॉम ऑयल सोयाबीन और रिफाइंड, एक सेकंड पूरा कर दूं, वहां से जो ऑयल आता है उसे 35% एक्साइज इन्होंने खत्म कर दी, और भरतपुर में 125 मिलों में से 100 बंद कर दी। उन मुद्दों पे बात कीजिए, आप विवाद खड़ा मत कीजिए, और देश को सांप्रदायिक दंगों में मत उखेलिए, इसको सुधार कीजिए। यदि आपको करना है संसद में चर्चा कराइए, लोग विधानसभा में चर्चा कराइए, कोर्ट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाइए, सस्ती लोकप्रियता इससे हासिल नहीं होगी। विवाद खड़ा बीजेपी की चौली दामन का साथ है, आपने दंगों की राजनीति की है, रथ यात्रा से शुरुआत हुई, वो रथ यात्रा नहीं थी, वो दंगा यात्रा थी जहां से आपने शुरुआत की थी, ये बीजेपी का जन्म वहां से हुआ है। तो इस तरह की राजनीति बंद करना कीजिए, और किसानों मजदूरों नौजवानों छात्रों और महिलाओं की, आप उनके विकास की, आप शिक्षा की और सुरक्षा की राजनीति कीजिए, उस पर आप नहीं करोगे चर्चा, क्योंकि आपको दंगों की राजनीति बीजेपी को करनी आती है, और वो दंगों की राजनीति बाल मुकुंद आचार्य जी कर रहे हैं और इल्जाम दूसरों पे डोल रहे हैं। आज ये एक सवाल पैदा खड़ा होता है कि आपको कुछ करना है तो आप चुन के गए हो, आप जाके कीजिए। आपने आप मुझे जवाब दीजिए, जहाँ पे आपने एक सेकंड 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, आप हिजाब एक बार भी चर्चा की क्या? आप करते चर्चा, कानून बनाते आप, और भी कानून बनाए हैं, ये भी बना देते, आज इतना विवाद ही नहीं होता। पर कुछ नहीं करना आपको,
आप इससे स्तर मत कीजिए, यदि शिक्षा का विकास करना। आप मुझे एक बात बताइए, जो 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 जेएनयू यूनिवर्सिटी थी वो वर्ल्ड में 200 नंबर पे थी 2014 में, उसको 300 पे लाकर दिया। 1194 एमफिल की सीटें थी, 1000 सीटें आपने कम खत्म कर दी। आईआईटी की फीस आपने 250 गुना बढ़ा दी। आप उसमें बोलिए ना, आप उसमें नहीं बोलोगे, आप तो महात्मा गांधी स्कूल भी बंद करने वाले हो, बोले हम समीक्षा करेंगे। अरे सुधार कीजिए, बंद मत कीजिए। शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी होती है, उसको खत्म करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। जी मैडम, हिंदी माध्यम के स्कूलों को ही कन्वर्ट करके हिंदी में इंग्लिश मीडियम के स्कूल कर दिए तो समीक्षा नहीं करेंगे क्या? आप कीजिए ना उसमें सुधार कीजिए, समीक्षा करनी है, सुधार किया, बंद मत कीजिए उनको। छोड़ा ही नहीं आपने भीमराज जी, कैसे नहीं छोड़ा? आप एक बात बताइए मेरे को, एक बात बताइए आप शिक्षा की बात कर रहे हो, आप ये बात बताइए, यूपी में आपकी सरकार है, 1400 पॉलिटेक्निक कॉलेज आपने प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिए और फीस आपने 4 गुना बढ़ा दिए, कौन सी आपकी शिक्षा का विकास हो गया? कैसे करोगे आप? सुधार करने की बात कीजिए, आप ये बोलिए कि हमारी सरकारों ने शिक्षा के लिए ये विकास किया। एक तो उदाहरण बता दिए, उसका आपके पास कहीं जवाब नहीं है। मैं आपको आज आप किसके सामने, आप डीयू के अंदर क्या कर रहे हो? डीयू के अंदर सारी फैकल्टी बाहर निकाल दी आपने, ये कौन सी आपकी शिक्षा का विकास हो गया? एक बात बताओ, क्या शिक्षा पढ़ा नहीं रहे थे क्या? वो पता मेरे को सब कुछ है, मैं कह रहा हूँ आप पढ़ लीजिए। अरे रिपोर्ट में एक भी खबर गलत निकले तो आप कभी भी गोविंद जी कहते हैं डीयू की सारी फैकल्टियों को आपने बाहर निकाला है। कैसे नहीं निकाला आपने बताइए? उच्च शिक्षा में जो लड़कियों का नामांकन आपकी सरकार के समय में हुआ करता था 6.7% हुआ, अब हो गया है 27.9%। आज के ही अखबार में मैं देख के पढ़ रहा हूँ, मैं आज का अखबार नहीं पढ़ा क्या आपने? और मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करते हैं हम लोग, हम इसका विरोध थोड़ी करेंगे, स्वागत करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे सवाल में ये पूछा है, आपने कहा मैंने अच्छा कहा ना, तो आप ये बताइए कि डीयू के अंदर फैकल्टी क्यों निकाला गया? आप इसका जवाब दीजिए। आप डॉक्टर लक्ष्मण, एक मिनट बताइए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को किसके लिए बाहर निकाला आपने? डॉक्टर लक्ष्मण यादव को क्यों निकाला डीयू से? किस किसके कारण निकाला? अरे मैं तो जानता है लक्ष्मण। थैंक यू टीम, थैंक यू भीमराज जी और गोविंद जी। अब आपको कोई नहीं सुन पा रहा है, आप लोगों को प्लीज ये समझना पड़ेगा कि डिबेट की एक मर्यादा होती है और दूसरे पैनलिस्ट और हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो भी आपको सभ्यता के साथ ही देखना चाहते हैं। तो प्लीज अनवरत कोई बोले जा रहा है, आप मुझे, मैंने एक लाइन बोली उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, 10 मिनट तक अनवरत बोलते गए, पता नहीं कौन कौन सी बातें क्या क्या निबंध पढ़ के आ जाते हैं, मुद्दे की बात करते नहीं है ना, सुनना चाहते हैं, केवल बोलना है बस। गोविंद जी अब आप मुझे गोविंद जी आपको जो सवाल पूछूं प्लीज उसी का जवाब दीजिएगा, और भीमराज जी आप प्लीज बिल्कुल बीच में मत बोलिएगा। गोविंद जी सवाल ये है कि विपक्ष की जिम्मेदारी भी होती है कि सत्ता पक्ष के इरादों को पूरा ना होने दे, तो अगर सत्ता पक्ष का इरादा सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना है, विवाद और हंगामा खड़ा करना है, तो विपक्ष उसे कामयाब ना होने दे, ये विपक्ष का भी काम है। लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है गोविंद शेपा जी, या इस विषय पर तार्किक लंबी बहस इस चुनाव से पहले होगी या इस चुनाव के बाद होगी? मीना जी मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, देखिए विवाद, फिर मैं कह रहा हूं हमने खड़ा नहीं किया, विवाद खड़ा किया है रफीक खान साहब ने। एक बार आप देखिए, महात्मा गांधी, रिपीट मत करिए ये बात, आप बता चुके। अरे मैडम शुरुआत तो सुन लीजिए, एक एक घंटे के शो में एक ही बात आप 4 बार बोलेंगे तो कैसे होगा? कोई बात आगे बढ़िए। गांधी जी जब कहीं भी जाते थे और अपनी बात रखते थे, अपना भाषण रखते थे, तो रामधुनी करवाते थे, तो क्या वो भी सांप्रदायिक हो गए? आज गांधी जी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, वो उनका एक प्रिय भजन था जो हमेशा वो अपने बात रखने से पहले कहते थे, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे, क्योंकि वो भी सांप्रदायिक थे। पंडित बिस्मिल्ला खान साहब हमेशा जब राग छेड़ते थे तो उससे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते थे, क्या वो भी सांप्रदायिक थे? सांप्रदायिकता ये पैदा करना चाहते हैं बिना बात के विवाद उत्पन्न करके, मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये आक्षेप हम पे लगा रहे हैं, मैं ये उल्टा इनसे प्रश्न कर रहा हूं कि हम एक बात कही थी आदरणीय विधायक जी ने कि साहब ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो उस सड़कों पे ये लोग आ गए, विधानसभा तक पहुंच गए, विधानसभा में हंगामा किया, उसकी आवश्यकता नहीं थी, एक लाइन में इनको कहना चाहिए था कि साहब बाल मुकुंदाचार्य जी आपने किया ये हमको सही नहीं लगा, जैसे हमने कहा कि हमको सही नहीं लगा, ये भी कह सकते थे, लेकिन वो नहीं है, इनको भी बात करना है, इनको सांप्रदायिकता फैलानी है, इनको उन्माद फैलाना है, छोटी छोटी बच्चों को सड़क पे ले आए ये लोग, सस्ती राजनीति का कारण,
ये हम पे आक्षेप लगाते हैं, अपने गरेबान में झांके देखिए आप। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या सरकार इस पर, क्या सरकार इस विषय को गंभीर है, क्या इस विषय को उचित प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा? थोड़ा दिक्कत, ऑडियो दिक्कत है मैडम। संगीता परिक्रमा जी आप मुझे सुन पा रहे? संगीता परिक्रमा जी, एक तरफ तो भावनाएं भाषण कर सत्ता पक्ष विपक्ष के लिहाज से वो अलग अलग शब्दों में तब्दील हो जाती है, दूसरी तरफ विषय की प्राथमिकता, क्या ये समय है, क्योंकि आज हम चांद सितारों की बात कर रहे हैं जाने की, आज हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी के दौर में है, समाज में बच्चियों के उत्थान की जितनी बातें हो रही हैं, और ये वो बच्चियां हैं जिस समाज के पढ़े लिखे लोग तो अपनी बच्चियों को वेस्टर्न कपड़ों में रखते हैं, और उसी समाज के निचले तबके की बच्चियां जो हैं वो इस रूप में रहती हैं जो दरअसल वोट बैंक है। तो क्या ये समय है जब इस समाज को भी ये समझाया जाए, या उन्हें अगर समझाइश से समझ में नहीं आए तो कानून के साथ उन्हें एक मंच पर लाया जाए कि ये उचित नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो सवाल भीमराव जाखड़ जी ने उठाया कि अगर सिख पगड़ी पहन के जा सकता है तो बच्चियां हिजाब पहन के क्यों नहीं, ऑडियो ऑन कर। आ रही आवाज मीना जी? हाँ जी आवाज। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कहीं भी जैसे मुस्लिम बच्चियां बमुश्किल बाहर आती है पढ़ने के लिए, तो उस तरह से उन पर ये एक रोक लगाना कि वो हिजाब, ये जैसे आपने एक बात कही कि इस पर अब बहुत एडवांस हो गया जमाना, एडवांस हो गया, महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और सारा, तो उसमें ये हिजाब पर जैसे एक हिजाब को लेकर इस तरह से समाज को भी, मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए कि उतना जब नहीं करना चाहिए, मगर एक उनकी भावना है। तो मेरा ये मानना है कि हिजाब को लेकर कोई भी सहमत नहीं होना नहीं है, जैसे एक बड़ा वर्ग है धड़ा है जो नहीं सहमत है कि नहीं होना चाहिए, कि आजकल घूंघट जहाँ अपने राजस्थान, मेरे सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में घूंघट घूंघट रहता था, वो भी अब कम हुआ, यहाँ पर महिला जनप्रतिनिधि भी घूंघट नहीं निकालती अब, तो ये चेंज होना चाहिए मुस्लिम समाज में, ये इस पर विचार करना चाहिए समाज को कि अब हिजाब और ये पहनना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है, मगर जबरन जबरन उनका हिजाब उतारना भी गलत है। यानी ये है कि जबरन उनकी भावना जुड़ी और एक कोई सरकार या कोई भी उनका जबरन हिजाब उतारने की कोशिश करता है तो वो भी गलत है। यानी एक समझाइश से हो सकता है कि इस तरह से आप हिजाब नहीं पहन कर आए, इस पे ड्रेस कोड है, जैसे कि आज उन्होंने किरोड़ीमल मीना जी ने भी कहा कि स्कूलों में और मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने के बारे में हमने दूसरे राज्यों से भी रिपोर्ट मांगी है, कि किरोड़ीलाल मीना जी ने ये कही है बात, ये तो यदि मगर इस कारण से यदि ये इससे का भेद लगता है कि हिजाब पहन के स्कूल में कॉलेज में नहीं आएगी, और इसकी वजह से यदि मुस्लिम बच्चियां स्कूल नहीं आती है, कॉलेज नहीं आती है, तो यह भी गलत होगा। तो इसके लिए पहले एक माहौल तैयार करने की जरूरत है कि मुस्लिम समाज में, जैसे कि पहले जब भी कोई कानून लाने की या कोई भी बात होती थी, एक गहलोत साहब की मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती थी, सभी धर्मों के लोगों से वो राय लेते थे कि ये होना चाहिए कि नहीं। तो राजस्थान में भी यदि इस तरह का कोई ड्रेस कोड लागू हो रहा है स्कूलों में कॉलेज में, तो उससे पहले मुस्लिम समाज के लोगों से भी एक इस बारे में बातचीत करनी चाहिए, ताकि जैसे बाल मुकुंद आचार्य, जैसे कि उन्होंने बताया था बीजेपी प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि उन्होंने बाल मुकुंद आचार्य ने जैसे भी कहा, यानी जिस लहजे भी कहा या उनको लेकर विरोध हुआ, तो रफीक खान से भी, यानी कहीं पर भी सियासत नहीं होनी चाहिए, इसको सियासत स्कूल की शिक्षा को नहीं होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए, ये एक आदर्श स्थिति है।
लेकिन हमारे यहाँ दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज वो हर मुद्दे पर सियासत करती है। उसका कारण भी ये है कि सियासत जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज दूर हैं, क्योंकि उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, ग्राउंड पे जाना पड़ता है। तो जैसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक विधायक पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस विपक्ष पर भी ये बात उतनी ही लागू होती है कि आप उसको हंगामा करके बढ़ा क्यों रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो मैं भीमराज जी से लूंगी। भीमराज जी, आप कुछ ऐसी जगह पर बैठिए जिससे आपके फेस पर लाइट आए, क्योंकि आपका फेस नहीं दिख रहा है, पीछे बहुत ज्यादा अंधेरा है। मैं संगीता जी की बात का समर्थन करता हूं, और मैं गोविंद जी से भी कहना चाहता हूं। भीमराज जी प्लीज प्लीज, मैं पुष्पा जी के पास पहले जाऊंगी, मेरे दूसरे स्टूडियोज हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। तो पुष्पा गोस्वामी जी, सवाल ये है कि कोई भी विषय अगर समाज विधायक ने कह दिया, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो कानून बन गया, या इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि कल से बच्चियों को आना ही नहीं है हिजाब में। ऐसा तो ना संभव है ना मुमकिन है, ना प्रिंसिपल ऐसा आदेश पारित कर सकती है, ना कर सकता है, ना ही कोई अभिभावक इतना अपने बच्चे पर प्रेशर डाल सकते, अपनी बच्ची पर प्रेशर डाल सकते कि कल से स्कूल ही नहीं जाना है। तो ये तो एक विचार रखा गया है, और वो विचार स्कूल के मंच पे ही अध्यापक प्रिंसिपल के सामने रखा गया है। प्रिंसिपल और टीचर्स जो हैं वो बच्चों से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, दिन प्रतिदिन का उनसे जुड़ाव होता है। वहां जाकर अगर इस बात को रखा गया है तो इस पर इतना हंगामा, इतनी बच्चियों को सड़क पर लाना, ये कितना उचित है? पुष्पा जी, मीना जी, ये जो जनप्रतिनिधि जो भी हैं और वो जहां भी जाते हैं, तो एक तो इनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, नंबर वन। और नंबर दो कि जयपुर जो है हमारा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, इवन राजस्थान हमारा जो है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, और इसमें अगर माहौल बिगड़ता है तो ये दोनों पार्टियों जो है वो सत्ता की रोटियां सेकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फायदा उठाने में कोई भी पीछे नहीं रहती। तो ये जो सवाल उठाया गया, उन्होंने बिल्कुल सही सवाल किया था कि इनको सांस कैसे आती है, और आप देखते हैं कि घूंघट के और हिजाब के जो स्वास्थ्य पर परिणाम होते हैं लड़कियों के, वो बहुत गलत होते हैं। हमारे यहाँ समाज में एक बार जब बाल विवाह जब बहुत प्रचलन में था, तब बहुत बहस होती थी कि लड़कियों के जो जीवन का सारा जो स्वास्थ्य और शिक्षा और सब चीज पर असर पड़ता है बाल विवाह से, और इन सब चीजों का जो कुरीतियां हैं या जो भी बुरी प्रथाएं हैं, उनका सीधा सा जवाब है शिक्षा और आर्थिक प्रगति। आर्थिक प्रगति की बात जहां तक है, वो शिक्षा के बिना आ नहीं सकती, तो शिक्षा बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको देखते हुए जो भी कानून लाया जाए वो इस तरह से लाया जाए कि उसका बच्चियों की शिक्षा पर असर नहीं हो, और उनकी शिक्षा के बढ़ाने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। अभी जैसे गोविंद जी भी कह रहे थे और भीमराज जी भी कह रहे थे कि स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हुए, ये चीजें हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त होगी और आर्थिक प्रगति नहीं होगी, तब तक बच्चियां आगे नहीं बढ़ सकती। और आज आप देखिए कि बाल विवाह के विरोध में खुद लड़कियां खड़ी हो रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका भविष्य जो है वो इससे अंधकारमय हो जाएगा। तो खुद लड़कियां फोन करके कहती हैं कलेक्टर को या मीडिया को कि हमारा बाल विवाह हो रहा है, आप इसको रोकिए। तो ये चेतना मुस्लिम समाज में भी आनी चाहिए कि वो लड़कियां खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक हों, और अपना जो व्यवहार है, अपना जो आचरण है, उसको भावी जीवन के लिए बहुत सही तरीके से उठाएं, ताकि वो अपने निर्णय शक्ति जो है वो निर्णय शक्ति का उपयोग कर सके। लेकिन भीमराज जी, जो बात पुष्पा जी कह रही हैं, आप भी उस समाज से आते हैं जहां पर झुंझुनू जैसे जिले में अगर हम जाएं तो बच्चियों के एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो कितना जबरदस्त है। राजस्थान में, केरल के बाद राजस्थान का झुंझुनू जिला ऐसा है जहाँ बच्चियां एजुकेशन में सबसे आगे है। तो सवाल ये भीमराज जी, आपने कहा कि इनको ये बात करने की बजाय ये बात करनी चाहिए थी विकास, शिक्षा किस स्तर पे क्या हो रहा है, बजट कितना बढ़ रहा है वहां पर, और कौन कौन से चीजें
आगे बढ़ रही हैं। लेकिन भीमराज जी, अगर शिक्षा के दूसरे मुद्दे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जरूरी है, तो क्या ये मुद्दा उनसे ज्यादा जरूरी आपको नहीं लगता कि हमारी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं, वो अपना पूरा चेहरा ढक कर स्कूल पहुंचती है, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है, पीढ़ियों से ऐसा होता आ रहा है, आज भी उन पर दबाव है कि आपको ऐसे ही जाना है। क्या उन्हें खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए? भीमराज जी, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि वो जो जा रही है जैसे वैसे ही जानी चाहिए? क्योंकि एक साथ पांच काम भी तो हो सकते हैं, शिक्षा का बजट भी बढ़ सकता है, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले जा सकते हैं, तो एक तरफ हिजाब को लेकर सरकार अपनी नीति भी स्पष्ट कर सकती है, चार काम एक साथ भी तो कर सकती है सरकार, चारों के अंदर डिपार्टमेंट है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने पहला सवाल किया कि आप उस समाज से हो। मैं मेरी परवरिश ग्रामीण में हुई है, मैंने घूंघट प्रथा को बहुत अच्छी तरह देखा है, और जब हम थे तब शादियां होती थी, घूंघट में रहती थी जो बहुएं थी, बहनें थी, आंटी चाची जो भी है। आज उस दौर बदल गया, आज लड़कियां घूंघट नहीं निकालती हैं, उसका उस पर कोई बहस भी नहीं हो रही। आपने भी ये बात कही। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने बोला चार काम एक साथ हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी ये कहा कि आप, हम इसका समर्थन नहीं करते, हम ये कहते कि विवाद मत खड़ा करके आप इसको चर्चा कराइए। विशेषज्ञों से, संगीता जी ने कहा, पहले पुष्पा जी ने भी कहा, आप इसमें चर्चा कीजिए, विशेषज्ञों से राज लीजिए, विधि विशेषज्ञ राज लीजिए, उसके बाद आप ये बताइए। आप मीना जी, आप इतने समय से पत्रकार, क्या पर्दा प्रथा एक दिन में खत्म होगी क्या? धीरे धीरे खत्म होगी। तो इसलिए कह रहे एक दिन में नहीं, इतने सालों से जिसने जड़े जमाई हुई है, इसको सामाजिक कुरीतियों का अपने दर्जा दे सकते हैं। समाज में बहुत सी कुरीतियां थी, उनको दूर किया गया एक दिन में नहीं। राजा राम मोहन राय ने पहले स्टार्ट किया था, तब ये कुरीतियां दूरी। महिला शिक्षा को सावित्रीबाई फुले ने स्टार्ट किया था, जो स्कूल जाती दो साड़ी लेके जाती थी, लोग उसके गोबर फेंकते थे और स्कूल में जाके साड़ी चेंज करती फिर बच्चे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इसको, हम कोई पक्षधर नहीं है, हम इस चीज के विरोध कर रहे हैं कि आप विवाद मत करें, आप चर्चा कीजिए। मैंने केशवानंद जी का उदाहरण दिया, में क्या क्या सारे हिंदुओं में थोड़ी बच्चे पढ़े, सब समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आप चर्चा कराइए, सबसे राय लीजिए, आपके जहां या अपने विधानसभा है, आप लोकसभा है, विधि विशेषज्ञों से राय लीजिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी आप राय ले सकते हैं। कोई आप एक आयोग बना के भी, अलग अलग जो इस तरह के विवाद होते हैं वहां आयोग बनाया जाता है, वो इस पर रिसर्च करता है। अभी आपने भी कहा रिसर्च कराइए, हम ये कहना है आप रिसर्च कराइए, विवाद मत खड़ा कीजिए। चाहे सरकार कांग्रेस हो, चाहे सरकार बीजेपी हो, समाज तो अपना है ना, सब यही रहेंगे। नेता आज कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, जनता तो यही है ना, जनता सबकी है, जनता गोविंद जी की है, मेरी भी है, हम दोनों है, एक ही समाज, हम दोनों रहते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं इसमें रिसर्च करके विवाद मत खड़ा कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाल मुकुंदाचार्य है, जो किया है वो गलत किया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जी, बाल मुकुंदाचार्य ने क्या प्रिंसिपल को ये आदेश दे दिया कि कल से कोई हिजाब में नहीं आएगा, या उन्होंने ये आदेश दे दिया कि उस विद्यालय में उस बच्ची को प्रवेश ही नहीं मिलेगा जो हिजाब में आएगा? बाल मुकुंदाचार्य ने एक सवाल उठाया, एक चर्चा की, एक विषय रखा सामने, इस पर बहस, इस पर चिंतन, इस पर अब शुरुआत की जाए, अब इसको और लंबा नहीं खींचा जाए, तो हंगामा कर कौन रहा है? बाल मुकुंदाचार्य ने कोई आदेश थोड़ी पारित कर दिया वहां बैठ के कि कल से ये स्कूल बंद है, या हमारे इलाके के पूरे स्कूल बंद है अगर जो हिजाब में आएगा उसके लिए स्कूल खुला नहीं है। आप तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, या ऐसे उन पर जो सबकी लोकप्रियता की आप बात करें, जैसे उन्होंने कोई आदेश पारित कर दिया। उन्होंने भी तो एक बात ही की है, एक शुरुआत का एक मंच, एक छोड़ा है तीर उन्होंने कि भाई अब आगे की तीर आप लोग संभालिए, विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी। तो जो तीर छोड़ा गया है उसके लिए आप सामने लड़कियों को लाके खड़ा कर देंगे पूरे ओल्ड सिटी में? मैडम जी, कांग्रेस कोई लड़कियों को लेके नहीं आई, रफीक खान और अमीन कागजन जाके वह मामला शांत कराया, बोले हम चर्चा करेंगे। रही बात दूसरी बात, बाल मुकुंदाचार्य का पहला सवाल नहीं है, बाल मुकुंदाचार्य जी विधानसभा में अब देते हैं देवना अध्यक्ष महोदय को लेटर देते, कुछ है पढ़ते, कुछ है लेटर देते ई रिक्शा को, बोले ट्रैफिक जाम होता है। बिल्कुल सही सवाल था उनका, ट्रैफिक जाम होता है ई रिक्शा से, उसमें सुधार की जरूरत है, ट्रैफिक जाम होता है। तो वो बोलते हैं क्या, बोले कि समाज के लोग कब्जा करते जा रहे हैं, लोग घर बेच बेच के निकल रहे हैं। तो मैं ये, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अब बाल मुकुंदाचार्य पहला, फिर नंबर दो, उन्होंने वहां आते ही दुकानों के बारे में वहां विवाद खड़ा किया, तो आप उनको सुधार कीजिए ना, आप उनको सुधार धीरे धीरे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन ऑब्जेक्शन है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, आपको जैसे अच्छा लगे, दुकानदारों को अच्छा लगे, आपको भी
लगे क्या कि अच्छा काम हो रहा है, डिपार्टमेंट को भी अच्छा लगे। हम ये कह रहे हैं कि आप हंगामा मत खड़ा कीजिए, विवाद मत खड़ा कीजिए, सांप्रदायिक तनाव मत कीजिए, आराम से काम कीजिए, चर्चा कीजिए। हम इसी बात को दोबारा कह रहे हैं, आप चर्चा कीजिए, विधि विशेषज्ञों को राय दीजिए, समाज के लोगों को समझिए, तब आप काम कीजिए। भीमराज जी, पिछले 50 मिनट में ये बात आप चौथी बार कह रहे हैं, लेकिन ये बात हमारे दर्शकों को, राजस्थान की जनता को, देश के लोगों को इस मायने में समझ में नहीं आएगी कि अगर एक स्कूल के कार्यक्रम में एक विधायक ने ये बात कही कि ये उचित नहीं है, तो इससे सांप्रदायिकता कैसे फैलेगी। इन्होंने पहले किया है, तो मैं आपको बता रहा, 3 उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किए, उन्होंने वहां जाके भड़काया तभी तो हुआ ना, वरना पहले ये और जगह प्रोग्राम हो गए तो ये हुआ क्या विवाद, कभी नहीं हुआ। और भी तो बीजेपी के विधायक प्रोग्राम में जाते हैं, सब स्कूलों में गए हैं, कैसे नहीं गए, मंत्रियों को भी भेजा गया, सब जगह भेजा, कहीं नहीं हुआ। सिर्फ बाल मुकुंद आचार्य जी कह रहे हैं तब उनके लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, तब आपको कह रहे हैं कि इनकी इनकी ये थ्योरी है कि मैं सस्ती लोकप्रियता लूं और ये लूं, इस वजह से लोकप्रियता, आप समाज का काम कीजिए, आप शिक्षा की रिपोर्ट निकालिए कि कहाँ समाज पीछे है, कौन सा समाज आगे है, कौन सा में क्वालिटी है, वो कीजिए, वो काम नहीं करना। इनको लोकप्रियता के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं मैडम, 5 सेकंड गोविंद जी, आने वाले दिनों में प्लीज आप कोई बात रिपीट मत करिएगा जो आपने अब तक कह दी है। मेरे पास बहुत कम समय में मेरे बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। लीला धर जी, शुक्रिया आपका इतना पेशेंस रखा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आप भी रिपीट नहीं करेंगे कोई बात। गोविंद जी, सरकार इस विषय पर आने वाले दिनों में क्या कर सकती है, क्या तैयारी है, क्या कोई चिंतन पार्टी के भीतर सरकार के स्तर पर इस विषय पर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एक कानून सबके लिए बराबर है, सभी को संविधान के तहत चलना चाहिए। हमारे अपन जिस समाज में आते हैं, हिंदू समाज ने एक अपने सती प्रथा को बिल्कुल निर्मूल कर दिया है, शुरू में जो विवाद हुए विधवा विवाह होने लग गए हैं, दहेज प्रथा बहुत कम हो गई है, तमाम तरह की जो कुरीतियां अपने धर्म में थी समाज ने उसको स्वीकार किया, उसको रिमूव किया। यही भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि अगर किसी और समाज में भी, किसी और धर्म में भी कोई कुरीतियां हैं तो उनको मिटाया जाना चाहिए, उसके लिए सबको सामूहिक रूप से साथ आना चाहिए। जब हिंदू विवाह अधिनियम बना उसके साथ ही वही समय था जब नेहरू जी को यह भी प्रयोग करना चाहिए था, यह भी कहना चाहिए था कि ये जो अधिनियम है ये सबके लिए कानून होगा, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मैं इतने पीछे नहीं जाना चाहता, मैं आज की बात करना चाहता हूं कि आज हमारी बच्चियां चांद पे जाना चाहती हैं तो क्या हिजाब पहन के जा पाएगी भाई? आज हमारी बच्चियां कॉलेज में लेक्चर बनना चाहती हैं तो क्या हिजाब के साथ जा पाएगी क्या? अगर हम उसको ये दायरे में बांध देंगे, छोटी छोटी बच्चियों को इतना अभी ज्ञान नहीं है कि हिजाब का मतलब क्या होता है। आपने, मैं फिर कह रहा हूं कि सड़क पे लाने का काम इन लोगों ने किया है। आप, मैं आपकी बात से, और भीमराज जी ने दबे स्वर में स्वीकार भी किया है कि हाँ ये है तो गलत, लेकिन अब पार्टी की लाइन है तो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि हिजाब से किसी को कोई आपत्ति नहीं, मुझे खुद आपत्ति नहीं है, मेरी भी दादी माँ अभी भी घूंघट करती है तो मैं उनको रोकता टोकता नहीं हूँ, लेकिन भाई अगर आपको कहीं आगे बढ़ना है, कहीं परफॉर्म करना है तो आप हिजाब को साथ लेके चल पाओगे क्या? अगर आप मानते हो कि चल पाओगे तो आपकी इच्छा है, आप चलिए, मुझे नहीं लगता ऐसा। जी लीलाधर जी, विपक्ष के रूप में आज देश में आपकी 2 राज्यों में सरकार है और आप इंडिया अलायंस के साथ और राज्यों में भी जाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, पार्टी का स्टैंड, पार्टी का स्टेक इस विषय पर पार्टी को क्या लगता है, बच्चियों को हिजाब में जाना चाहिए या बिना उसके स्कूल? सीधा जवाब दीजिएगा। जी मैं बिल्कुल सीधा जवाब देना चाहूंगा कि जैसे गोविंद जी ने भी कहा है कि उनको भी अपनी स्वतंत्रता ये वो है, तो मैं ये कहना चाहूंगा जब बच्चिया पढ़ेगी लिखेगी, है ना, जब बच्चिया उच्च शिक्षित होगी तभी वो इस चीज को वो खुद एक हटाए कि नहीं ये एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण हमारे आने वाली पीछे जो बच्चियां हैं वो इससे प्रभावित होगी, और ये बच्चियां तभी कर पाएगी जब वो अच्छे से पढ़ पाएगी। आप ये कहते कि हम इसको विधानसभा में इस चीज को उठाते कि ये चीज, जैसे कर्नाटक में इन्होंने किया, उसके बाद जैसे ही सरकार चेंज हुई उसके बाद, मैं अभी कल परसों ही पढ़ रहा था, उसको वापस हटा दिया हिजाब बैन को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इस पर सही किया सरकार ने, सही किया क्या लीलाधर जी ये बताइए। जी जो वास्तव में कर्नाटक में वापस सरकार बनी है उन्होंने उस हिजाब बैन को हटा दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो बच्चियों को ये राजनीति खेला जा रहा है। मैं वही पूछ रही हूँ आपसे, कर्नाटक सरकार का अभी का फैसला सही है कि पिछली सरकार का फैसला सही था?
देखो पिछली सरकार ने अपने नियम थोप दिए, इस सरकार ने अपने नियम थोप दिए, हम तो ये चाहते हैं कि इस पर एक विस्तृत रूप से एक नियम बने, कानून बने, जिसकी सभी जो भी इससे इफेक्टिव जो भी लोग हो रहे हैं उनसे राय ली जाए, अगर उसमें कोई अड़चन आती है तो उनके धर्मगुरुओं से बात की जाए, उनके माता पिताओं से बात की जाए, इसको तो शामिल जिससे करना चाहिए इस बहस में, चर्चा में, सरकार को इसके लिए कोई कमेटी बनानी चाहिए, तो किस किस को शामिल बिल्कुल करना कमेटी चाहिए? विस्तृत तो चर्चा की जानी चाहिए, जिससे कि राजनीति का शिकार ये बच्चियां ना हो। दूसरा बच्चियां खुद पुष्पा जी, बच्चियां खुद इतनी सक्षम है कि उनसे पूछा जाए कि वो उनको हिजाब बिल्कुल पहनना बिल्कुल नहीं, और आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं है हाँ ये। हम लोग सब क्या है कि राजनीतिक गोटियों के शिकार हो रहे हैं, हमको जहां मर्जी आए उठा के रख दिया जाता है, जहां मर्जी उठा के वापस बिठा दिया जाता है। ये जो हिजाब का सवाल है ये सिर्फ सिर्फ वोट लेने के लिए है, चाहे कोई मना कर रहा है चाहे कोई हाँ भर रहा है। बाकी जो बालमुकुंदाचार्य ने जो सवाल उठाया वो मेरे राय में बिल्कुल सही है कि इन बच्चियों को सांस कैसे आ रही होगी। और दूसरा जो भीमराज जी ने सवाल उठाया कि वो मीट की दुकान पे गए या कुछ जो भी है, तो मेरे ख्याल जो है वो ये है कि अगर वहां पर बहुत गंदगी हो रही है या वो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है, तो वो दुकानों पर एक जनप्रतिनिधि को सवाल उठाने का अधिकार है, तो उठाना चाहिए। अगर जनता सवाल नहीं उठाती है तो कम से कम जनप्रतिनिधि तो सवाल उठाएंगे, जी उनकी बात भी सुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सिर्फ सवाल उठाना नहीं चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं चाहिए, उस हंगामे और उस सवाल के साथ परिणाम एक निकलना चाहिए। नतीजे पर, परिणाम पर पहुंचना भी चाहिए। उम्मीद करते हैं गोविंद शेपा जी कि इस विषय पर सरकार सकारात्मक रवैये के साथ स्टेक होल्डर्स को, समाज के अलग अलग लोगों को, खास करके जिस समाज की बच्चियों की यहाँ पर चर्चा हो रही है, उस समाज के वरिष्ठ लोगों को और कानून के जानकारों को साथ लेकर इस विषय पर कानूनी ढंग से आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में जितना ये विषय आता है, उस अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार काम करेगी, और ऐसे मुद्दे पर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश एक विधायक की हो या हंगामा खड़े करने की कोशिश विपक्ष की हो, दोनों करें अपनी अपनी राजनीति, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों को सड़कों पर ना उतारें। ये पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान रखना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया News24 पर इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। हमारी कोशिश रहती है कि आम आवाम से जुड़े हुए मुद्दों को हर दिन हम आम आवाम के साथ ही साझा करें। हिजाब का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सिर्फ राजस्थान या हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, ये दुनिया के कई देशों में इस पर बहस हुई है, इस पर रोक भी लगी है, हिंदुस्तान में भी इस पर बहस होने का वक्त आ गया है। और इस बहस में तार्किक ढंग से, समय की जरूरत के हिसाब से, समाज के सभी पक्षों को एक मंच पर बैठकर आने वाली बच्चियों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम उठाने की कोशिश करनी होगी। उम्मीद करते हैं राजस्थान सरकार ऐसा ही करेगी। News24 पर कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।